हेलो एवरीवन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि स्टाफ नर्स, काउंसलर, डाटा मैनेजर, इसको ANM भी अप्लाई कर पाएंगे, जो कि अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका लास्ट डेट 5 नवंबर 2020 रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपके सामने मैंने ये BHU की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, इसमें हमें रिक्रूटमेंट में जाकर प्रोजेक्ट और टेम्परेरी रिक्रूटमेंट को हमें ओपन करना है। प्रोजेक्ट और टेम्परेरी वैकेंसीज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर आर्ट सेंटर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मेडिसिन IMS BHU वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे कि आपके सामने है, मैंने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। एज पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट। ये एक टेम्परेरी पोस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का इनिशियली आपका पर्टिकुलर रहेगा। इसमें रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कीम। इसका एज पर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपका ये जो टेम्परेरी वाला ऑप्शन है वो आगे भी बढ़ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। Suitable candidate from SC, ST, physically handicapped and female will be considered as per the government norm. Appointment of government BHU and NACO rules के according ही यहाँ पे होगा। और हमें position जो दी जा रही है वो art center project के अंतर्गत दी जा रही है, जो कि Department of Medicine Institute of मेडिकल साइंस BHU वाराणसी के उसमें है। इसमें एप्लीकेशन शुड बी रीच टू जया चक्रवर्ती डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU को 21 दिन के अंदर। जब जैसे 12 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट आया है तो आपको 21 दिन के अंदर इसको फिल करके भेजना है, जो कि 5 तारीख है। इसमें TA/DA भी दिया जाएगा। काउंसलर की पोस्ट एक है, जो एसेंशियल MA मांगा गया है। कैंडिडेट विद डिग्री ऑफ सोशियोलॉजी में बी कंसिडर्ड। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट नर्स कैन बी अपॉइंटेड एज काउंसलर। ये काउंसलर जो है ये एक नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग रजिस्टर्ड भी इसको अप्लाई कर सकता है। सो ये आपकी एक पोस्ट ये है, जो कि पर्टिकुलर 60 इयर्स तक ये आपकी क्वालिफिकेशन मतलब एज हो सकती है। देन डाटा मैनेजर में ग्रेजुएट मांगा है, प्रेफरेबल कॉमर्स उसका मांगा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी भी सैलरी 13,000। इसी प्रकार स्टाफ नर्स का है। स्टाफ नर्स में BSc नर्सिंग, GNM और ANM का 3 साल का एक्सपीरियंस भी प्रेफरेंस एज पर कंडीशन दिया हुआ है, जिसकी फिक्स सैलरी 13,000 रखी गई है। और इसमें भी एज 60 साल तक की है। इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्टिकुलर जो पोस्ट करना है उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये। अब उसी एप्लीकेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम
हम क्या आगे उसका पूरी जानकारी फिल करके हम भेज सकते हैं, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस, पूरा डाटा को फिल करके आप लोग आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।